हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल क्रैकबोर्ड 1920. सो आज डे 25 में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फॉर्मिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ये तीनों टॉपिक हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, क्योंकि इक्वेशन वो है जिसमें इक्वल साइन होता है. ठीक है, आप जानते हैं जैसे लीनियर इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्यूबिक इक्वेशन हो गई एंड सो ऑन. लेकिन अगर आपने डिफरेंशियल यूज किया है तो इसका मतलब है वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए वो कहलाएगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज और है, वाई डैश रिप्रेजेंट करता है डी वाई बाई डी एक्स को और वाई डबल डैश रिप्रेजेंट करता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को. कभी कभी वाई डैश के प्लेस पर हम वाई सफिक्स वन भी दे सकते हैं या वाई डबल डैश को वाई सफिक्स टू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब एक एग्जाम्पल लिया है हमने, वाई डैश प्लस साइन एक्स इज जीरो. सेकेंड एग्जाम्पल है डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब इज जीरो. थर्ड एग्जाम्पल है अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू. एंड फोर्थ एग्जाम्पल इज डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज जीरो. फोर डिफरेंट इक्वेशंस हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं. दो चीज़ें हैं, एक ऑर्डर और एक डिग्री. ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ऑर्डर मतलब हाइएस्ट ऑर्डर टर्म जो यहाँ पे यूज हो रहा है. जैसे इसमें फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर है लेकिन यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है. ठीक है, तो ऑर्डर के लिए तो आपने देखना है कि हाईएस्ट किस ऑर्डर का डेरिवेटिव उस इक्वेशन में इन्वॉल्व है. ठीक है, अब आती है बात डिग्री की. डिग्री में चेक करने से पहले आपने क्या काउंट करना है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, लॉग के साथ या e की पावर में अगर कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है लाइक दिस, तो उसकी डिग्री कहलाएगी नॉट डिफाइंड. अदरवाइज सब जगह जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उसकी जो होल पावर है वो कहलाती है डिग्री. क्या चीजें ध्यान रखनी है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उसकी पावर है डिग्री. और अगर सपोज किसी एंगल में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी डिग्री हो जाती है नॉन डिफाइंड. ठीक, किसी भी क्वेश्चन में आपने अंडर रूट या क्यूब रूट नहीं रखना है, पहले उसको रिमूव करना है, उसके बाद आपने ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है. राइट, इसमें फर्स्ट ऑर्डर है, सिंपल ऑर्डर वन हो गया और उसकी होल पावर कुछ नहीं है, यानी उसकी होल पावर कितनी है वन. सेकेंड ऑर्डर है, इसकी पावर से कोई मतलब नहीं है आपको, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखनी है और वो कितनी है वन, दैट इज डिग्री. वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू. तो पहले हमें इस अंडर रूट को रिमूव करना होगा, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद आप ऑर्डर टू और डिग्री टू फाइंड करेंगे. हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है थ्री, लेकिन क्योंकि डेरिवेटिव इन्वॉल्व है एंगल के साथ इसलिए डिग्री हो गई नॉट डिफाइंड. अगर सपोज आपको कोई फंक्शन गिवन है और एक इक्वेशन गिवन है और आपको प्रूव करना है कि वो गिवन फंक्शन उसका एक सॉल्यूशन है, तो उसको कैसे करना है? वाई डैश प्लस वाई इक्वल्स टू टू एंड वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस टू. वेरीफाई दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आपने सिंपली क्या करना है कि जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उतने टाइम आपने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. y को डिफरेंशिएट किया हमने x के रिस्पेक्ट में, तो y डैश e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो x ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस x है तो चेन रूल अप्लाई होगा, e टू दी पावर माइनस x और माइनस x का डेरिवेटिव माइनस वन. टू क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हमें y डैश की वैल्यू मिल गई माइनस ई माइनस एक्स. अब हमने ये वैल्यू पुट करनी है एल एच एस में. ठीक, y डैश प्लस y, y डैश के प्लेस पर ये वैल्यू और y के प्लेस पर जो वैल्यू गिवन थी वो आपने पुट कर दी और इक्वल टू आपको मिल जाता है अगर आर एच एस के, तो आप कहेंगे देयरफोर गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन. और वेरीफाई वाले क्वेश्चन में तो ऑब्वियस है कि वो प्रूव होगा ही होगा, जहां पे चेक वेदर है वहां वो पॉसिबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में वेरीफाई दैट है तो ऑब्वियस है कि वो क्या होगा, प्रूव होगा. नेक्स्ट है वाई डबल डैश प्लस फोर वाई जीरो. हेयर वाई इज इक्वल्स टू थ्री साइन टू एक्स. अब क्योंकि डबल डैश है तो हमें इस फंक्शन को टू टाइम डिफरेंशिएट करना है. पहले हमने इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, थ्री कांस्टेंट है एज इट इज, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव कॉस टू एक्स और टू एक्स का इंटू टू और आ जाएगा, यानी सिक्स कॉस टू एक्स. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई डबल डैश इक्वल्स टू सिक्स इंटू माइनस साइन टू एक्स इंटू टू, यानी माइनस ट्वेल्व साइन टू एक्स.
नाउ LHS y डबल डैश प्लस 4y डबल डैश की वैल्यू पुट की प्लस 4 इंटू 3 साइन 2x 12 साइन 2x 12 साइन 2x कैंसिल आउट यानी 0. सो गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन राइट. अब देखिएगा कि अगर हमें कर्व की इक्वेशन फॉर्म है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है जो कि एनसीईआरटी में थर्ड एक्सरसाइज है, उसको कैसे करना है? इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू कर्व. अगर कोई कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तब आपने क्या करना है? सपोज ये कर्व की इक्वेशन है, सबसे पहले आपने चेक करना है आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट का नंबर. आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होते हैं जो ABC अल्फाबेट्स के फॉर्म में होंगे. 1, 2, 3 को आर्बिट्ररी में काउंट नहीं करेंगे. यहाँ पर कितने आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट हैं? 2. तो आपने इक्वेशन को 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व करना है और आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट को रिमूव करना है. बस वो आपका आंसर होगा. कैलकुलेशन आपकी अपनी है, आप कैसे रिमूव करते हैं और कैसे डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करते हैं. यहाँ पर जैसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है 1, तो आपकी रिस्ट्रिक्शन है कि आपने इसको एक ही टाइम डिफरेंशिएट करना है और कांस्टेंट को रिमूव करना है. ठीक है, अगेन ये कर्व की इक्वेशन है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है, तो आप इसको एक ही टाइम डिफरेंशिएट करेंगे. तो आपने क्या करना है कि आपने चेक करना है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन को कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, दैट इज मेन पॉइंट. ठीक है, अब सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है, हमने इसको डिफरेंशिएट किया x की रिस्पेक्ट में 1/a, क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1/a, प्लस y को डिफरेंशिएट किया तो y'/b इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0. ठीक है, हमें इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व है. अब आफ्टर फर्स्ट डिफरेंशिएशन अगर हम कांस्टेंट को सेपरेट कर सकते हैं तो हम यहां पे पहले कांस्टेंट को सेपरेट कर देंगे, जैसे हमने यहां पे कर दिया है. इस टर्म को पहले RHS में शिफ्ट किया -1/a, फिर ये b भी आपने ट्रांसफर कर दिया यानी -b/a. ठीक है, अब इसको यहां पे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश एंड दिस इज कंप्लीट कांस्टेंट सो डेरिवेटिव इज 0. तो हमें कोई कांस्टेंट रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कांस्टेंट अपने आप ही रिमूव हो जाएगा और ये ही आपका आंसर होगा. ठीक है, सेकेंड देखिएगा y² = 4ax. अगर ये कर्व है और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है तो आपने यहीं पे पहले x को सेपरेट कर देना है, 4a अलग हो जाएगा और x कहाँ पे आ जाएगा? अपॉन में, जैसे हमने यहाँ पे किया है y² / x. ठीक, 4a सेपरेट हो गया. अब हम यहां पे इसको डिफरेंशिएट करें, यहां क्वेश्चन रूल से x² x into dy dx of y² दैट इज 2y and y' -y² as it is and derivative of x. ये कांस्टेंट इधर जाके, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो ये पूरा टर्म भी इधर जाके 0 हो जाएगा और यहां से आपको इक्वेशन डायरेक्ट मिल जाएगी. लेकिन अगर आप यहीं पे डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपको इस टाइप से मिलेगा 2y y' = 4a. इस 4a की वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी पड़ेगी यानी y² = 2yy' * x और आंसर आपका सेम आएगा दोनों वे से, जो आपको बेटर लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन है y = mx. यहां से भी हमने m को सेपरेट किया तो ये x अपॉन में आ गया y/x. इसको डिफरेंशिएट किया, कितने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे? ऑब्वियसली 1 टाइम, क्योंकि एक ही कॉन्स्टेंट है आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट. डिफरेंशिएट किया, अगेन दिस इज x² x as it is, y का डेरिवेटिव y' -y * x का डेरिवेटिव 1 और ये आपका टचेस x एक्सिस एट ओरिजिन. जब भी सर्कल का टचिंग का केस है, अगर x एक्सिस को टच करता है ओरिजिन पर तो इक्वेशन आपने कंसिडर करनी है. इस केस में सेंटर लाई करता है कहाँ पर? y एक्सिस पर. तो y एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट होता है वो 0, something होगा. उसको सपोज हमने h ले लिया, कांस्टेंट h भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट. देन h इक्वल्स टू रेडियस, ये जो कांस्टेंट होगा ये रेडियस के इक्वल होगा, यानी सेंटर का y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा रेडियस के. ठीक है, अगर इक्वेशन आपकी इस टाइप से होती कि सर्कल टचिंग एक्स वाई एक्सिस एट ओरिजिन, तो आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 ले लेने हैं और रेडियस भी a के इक्वल होगा. उस टाइम जो इक्वेशन होगी वो आपकी आएगी इस टाइप से. सॉल्व इसी तरह से आपने करना है, सेम प्रोसीजर से, लेकिन इक्वेशन स्लाइटली चेंज हो जाएगी. कब? अगर यहाँ पे y एक्सिस हो जाएगा, ओरिजिन को y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है सर्किल, तो इक्वेशन इस टाइप से आपने लेनी है. कैसे सॉल्व करना है?
सपोज हमने लिया x माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, होल स्क्वायर को आपने एक्सपेंड कर दिया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर इक्वेशन से कांस्टेंट को सेपरेट कर पाते हैं तो हम यहीं पे उस कांस्टेंट को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू एच वाई, टू एच को हमने यहीं पे रखा, वाई को अपॉन में लिया है, ठीक। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल्स टू टू एच। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल और ये डेरिवेटिव हो जाता है जीरो, तो जो अपॉन का टर्म है वो भी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और न्यूमरेटर से हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे डिफरेंशिएट किया, दिस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y into y डैश, क्योंकि यहाँ पे हमें चेन रूल अप्लाई करना है, माइनस दिस फैक्टर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ y इज y डैश इक्वल्स टू जीरो। ये टर्म यहाँ जाके जीरो हो जाता है और इसको आपने सिंप्लीफाई किया, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, हो सकता है लैंग्वेज में आपको गिवन हो, अगर लैंग्वेज में गिवन है तो इक्वेशन आपने खुद से फॉर्म करनी है, और अगर कर्व की इक्वेशन गिवन है तो वहां पे आपने काउंट करना है कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उसमें इन्वॉल्व है। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे वही डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी उतने ही टाइम आपने क्या करना है उसको डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे केवल आर्बिट्ररी कांस्टेंट सिंगल था तो एक ही बार हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन जैसे इलिप्स की इक्वेशन है, सपोज यही होता क्वेश्चन आपका, फाइंड द डिफरेंश फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स, ठीक है, व्हेन मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस या मेजर एक्सेस अलोंग वाई एक्सेस, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तब इलिप्स की इक्वेशन ये होती, कांस्टेंट उसमें कितने होते हैं आर्बिट्ररी टू, तो उसमें आपको टू टाइम डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती हैं, तो ये तीनों एक्सरसाइज आज आपने कंप्लीट कर देनी है, और उसके बाद अब हम नेक्स्ट थ्री अलग अलग सेपरेट करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो तीन टाइप हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, राइट। सो आज इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगे तो ऑब्वियसली लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, टिल देन बाय।